आज हमें डीसी ऑफिस को आए हैं, ये बीजापुर जिले का नाम चेंज करके बसवेश्वर जिला, बसवेश्वर तप्त सिद्धांत के ऊपर हमें चले तो बीजापुर जिले से भी बहुत अच्छा काम होता है, पूरे सब भी तप्त सिद्धांत ले चलना चल को। ये बीजापुर जिला ये 500-600 हजार साल का भी है, विजयपुर बीजापुर से विजयपुर है, विजयपुर भी अच्छा है, बीजापुर भी अच्छा है, बसवेश्वर उनका करें उनके हमें उनके तत्त ले को हमें चलने लगे, उन्होंने क्या बोले सो ऐसा पूरे विश्व में चल रहे हैं, यहाँ भी चलेंगे। ये बीजापुर जिला है, बीजापुर जिला रंग। अभी आपको यहाँ पर काफी सारे लोग आकर सभी धर्म के ब्राह्मण समाज के हो या मुस्लिम समाज के आए थे, मैं मजे फोन करे थे, मैं भी यहाँ ऑफिस में आया था, हमारा मुन्ना बख्शी सब मिला। अभी एक बात आती है कि जबकि बीजापुर जिले को ही टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर बागलकोट जिला है बाजू में उसका नाम नहीं चेंज किया जाता, गुलबर्गा है उसका नाम नहीं चेंज किया जाता, सिर्फ बीजापुर को ही चेंज करने का ये काम चला है, बल्कि एक आरोप लोगों में उठा हुआ है। ये विजयपुर रहता है, बीजापुर बीजापुर रहता है, विजयपुर है, विजयपुर ही रहता है, उन्होंने बसवेश्वर का विश्व में चल रहा है, उनके हमें सिद्धांत ले गए तो सब होता है। सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज सिटीज़न फोरम और अदर प्रगति पर संगठन जो हैं उनकी तरफ से डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है, मेमोरेंडम ऑब्जेक्शन टू प्रपोज्ड नेम चेंज ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करें या दो ऑप्शन दे थे कि बसवेश्वर रखो या बसवा रखो करके, उसके पर एक राय कायम हुई और बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर जाके की है उसका एक निचोड़ आज हम लोग डीसी साहब को सबमिट करने आए थे। तो ये नाम चेंज करना या उसका ऑप्शन देना प्री डिसाइडेड है या कौन किए क्या किए इसका कोई इंटीमेशन नहीं है या पब्लिक की राय भी पूछी नहीं जा रही, नाम चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे, जो मन में आ रहा है वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं यहाँ पे, वो गलत चीज़ है और उसके लिए हम लोग इसका स्ट्रांगली खंडन करते हैं। ये नाम चेंज करने का हम लोग इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, नाम रीनेम क्यों नहीं होना चाहिए करके, हिस्टोरिकल और कल्चर सिग्निफिकेंस जो हिस्टोरिकल प्लेस का है, पिछले 400-500 साल का इसका एक हिस्टोरिकल कहानी है, एक बेस है, ये मोनूमेंट्स आज बीजापुर में आप जो भी देख रहे हैं उसका एक जीता जाता एक सबूत है, जो एक हिस्टोरिकल ये कर हिस्टोरिकल का एक प्रेजेंटेशन है। इसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत है कि एक नाम चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तीसरी चीज़ है कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रप्शन, बिजनेस करने वाले टूरिज्म बहुत सारी चीज़ों को इसका कन्फ्यूजन होता है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है। चौथी चीज़ है रेपुटेशन और आइडेंटिटी, और एक एक आदमी की एक रेपुटेशन होती है, वैसे ही एक सिटी की भी एक रेपुटेशन होती है, एक सिग्निफिकेंस होता है। ये बीजापुर पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने मोनूमेंट्स की वजह से, अपनी हिस्ट्री की वजह से, इसकी रेपुटेशन और आइडेंटिटी का मसला है, तो हम सब बीजापुर के सिटीजन को इसके बारे में खड़ा होना चाहिए। और ये जो भी फैसले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ले रही है या इसके लिए राय मांग रहे हैं या कोई इसके पीछे पॉलिटिशियन भी है, इसके इसका हम लोग खंडन करते हैं। चौथी बात लैक ऑफ पब्लिक कंसेंस, पब्लिक का बहुत सारे आप मीडिया लोग हैं, आप जाके पूछो कि बीजापुर का नाम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोग शॉक में बोलेंगे क्या कब कैसे करके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक का इसमें कोई रोल नहीं है और आप अपने हिसाब से डिसीजन अगर ले रहे हैं तो ये गलत बात है। हम सब आज हमारे साथ कर्नाटक ब्राह्मण कम्युनिटी के स्टेट प्रेसिडेंट आनंद जोशी साहब हैं, अम्माद जोशी साहब हैं, पीटर अलेक्जेंडर साहब हैं और बहुत सारे दिगर यूसुफ साहब हैं, मीडिया लोग हैं, अनिस पद्दू जी साहब आए हैं जो रजा अकेडमी से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ के लिए खंडन करते हैं। 1100 रिटर्न एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन के लिए हम लोगों ने अभी सबमिट किया है, कम से कम 200 से 300 मेल्स डीसी ऑफिस को और कमिश्नर सीएम ऑफिस को ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है और रिटर्न एप्लीकेशन हम लोग अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग सबमिट कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इस सिटी का हिस्ट्री चेंज मत कीजिए, इसकी आइडेंटिटी मत छीनिए,
ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम मुन्ना बख्शी है। बीजापुर को ही क्यों टारगेट किया गया है हर बार? इससे पहले भी बीजापुर का नाम विजयपुर किया गया था, इस बार फिर से चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भागलकोट है, भागलकोट को तो कोई चेंज करने नहीं जा रहा है, बीजापुर को ही क्यों? बीजापुर को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिशियन को दूसरा काम नहीं है। दूसरी बात, 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बाद ही ये बीजापुर का नाम अनवांटेडली, आप गूगल पे भी बीजापुर का नाम चेंज क्यों हुआ है बोले तो वहाँ पे लिखा जाए दिखाएगा अनवांटेडली इट इज चेंज करके आ जाता है। अभी ये नाम भी चेंज कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? तुम्हें चेंज करने के रहा तो बीजापुर सिटी को चेंज करो। स्मार्ट सिटी पिछले 7 साल से होने को तैयार नहीं है, तुम बीजापुर के नाम चेंज करते आ रहे हो। एक जेएम रोड का 6 महीने से रोड बंद है, कितने तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ठीक से पानी भी नहीं आ रहा है, 24 आवर्स का वाटर सप्लाई करके देते करके बोले, अभी कितने तो एरिया है जहाँ पे 24 आवर्स का पानी रहने के बावजूद भी 11 दिन पानी नहीं आ रहा है, ठीक से रोड बने नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहने दो या पॉलिटिकल रहने दो, कौन किसी का ख्याल नहीं है। मेयर आज को एक साल कंप्लीट हुआ है, सिटी का मेयर बनने तैयार नहीं है, और वहाँ पे वार्ड वाइज अभिवृद्धि होने तैयार नहीं, डेवलपमेंट होने तैयार नहीं, उनको फंड नहीं है, और अपने राजकीय पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए लोग अभी भी मेयर इलेक्शन 6 महीने पोस्टपोन करें। इसका नुकसान किसको हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। इनका पॉलिटिशियन उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग सीधा सीधा मेयर इलेक्शन बढ़ा रहे हैं, ना फंड एक वार्ड में फंड ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? अभी जो है नाम करने की इसमें क्या राजकीय हो रही है, नाम चेंज किया 100% राजकीय है। इसमें मेरा इंटेंशन क्या है, मैं नाम चेंज करूंगा करके बोले, ये कॉमन आदमी है जो डेली काम करे तक उसको फुर्सत नहीं रहती है, उसने नाम चेंज करने का उसको ख्याल कैसे आएगा बताइए मेरे को, या कौन आदमी जो वर्किंग आदमी है? अभी जो नाम चेंज होने जा रहा है इससे क्या नुकसान है? नुकसान वही बताया ना मैंने आपको, नुकसान ये है कि बीजापुर का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस पूरा खलास हो जाएगा। ये जो मोनूमेंट गोल घुमट, इब्राहिम रोजा या जो भी मोनूमेंट्स आप देख रहे हैं, इसका वजूद ही क्या रहा है बोलिए मेरे को? और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ये हमारे पे ही डाली जाएगी। इसका जो खर्चा आएगा, आपको पासपोर्ट पे नाम चेंज करना पड़ेगा, बोर्ड्स के नाम चेंज करना पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पर नाम चेंज करना पड़ेगा, हर चीज के लिए कॉस्ट होता है, उसका कॉस्ट का खर्चा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पे पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अभी तक सैलरीज नहीं हुई 3-4 महीने, उसके पर ये खर्चा अलग से। तीसरी बात है कन्फ्यूजन और डिस्टर्प्शन। कन्फ्यूजन क्या है, अभी जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या फॉरेन टूरिस्ट है, बीजापुर करके एक मैप में हमारा नाम दिखता है तो वो सीधा बीजापुर का डेस्टिनेशन के लेके कहीं एयरपोर्ट पे उतर के इधर आ जाएगी। अगर नाम चेंज हो गया तो कितना डिस्टर्प्शन होगा, और 600 साल का एक इतिहास है, 500-600 साल का, वो इतिहास को आप चेंज कर रहे हैं बोले तो अपने घरों के नामा चेंज करो, दूसरों के नामा क्यों चेंज कर रहे हैं आप लोग? तीसरी बात है रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी। एक आदमी एक है तो उसका एक रेपुटेशन रहता है, इज्जत रहती है, रेपुटेशन बोले तो इज्जत। ये सिटी का कोई इज्जत है कि नहीं? दो दो तीन तीन बार कोई भी कब भी उठ के आ रहा है, नाम चेंज कर रहा है। सर बाकी के सिटी के नहीं करते सर, बाकी के सिटी का क्यों नहीं करते? पर ही क्यों ऐसा है सर? अभी भी बीजापुर हो को अभी इतना साल नहीं तो अभी भी ये भी बीजापुर ही है अभी सर। अभी भी बीजापुर इसलिए है कि बीजापुर का एक हिस्ट्री है दिलों, बीजापुर के लोगों के दिलों में अभी भी बीजापुर है। बीजापुर भी एक्सेप्टेड नहीं है। बीजापुर नाम का एक गांव बेंगलोर के पास है तो वो चिकबल्लापुर पास है, उसको मैच नहीं होना करके विजयापुरा करके, वो क्या नाम है? विजयापुरा, व्हाट इज द नेम? या तो विजयपुर रखना, तो वो एक लगता था कि बी और वी में कुछ फर्क है करके मालूम पड़ता था, विजयपुरा बोले तो ये कुछ नाम में मतलब ही नहीं। एंड अगेन दिस पीपल आर केम एंड स्टार्टिंग टू चेंज द नेम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, टोटली फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सिटीजंस फोरम बीजापुर।